तो इतिहास के 18 वारी होया कि असी दिल्ली से जित प्राप्त की है, जबकि किसान फायदा लेना नहीं चाहते, ये धक्के ना फायदा देना चाहता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। वो भाजपा के विचों भी राज्यसभा के मैंबर भी जेड़े वापस आने लग गए, उन्होंने ऐलान किया मध्य प्रदेश तो कि 1 लाख मैं किसानों नाल लैके इस दिल्ली मोर्चे चाहूँगा। भावें सारे किसान शहीदियाँ पा जाण पर बिल वापस किए तो बिना उतों आना नहीं। कि गुरु साहब जी की कृपा के नाल असी किसान जिहड़ा ये मोर्चा लाया ये जरूर जितांगे। हाँ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं लवली कुमार सदो तो अज असी पहुंचे हाँ पिंड पौदड़ा दे विच, जिथे गुरद्वारा साहिब दे विच श्री सुखमणी साहिब पाठ जी सुखमणी साहिब जी दे पाठ दे भोग पाए जा रहे हैं पिंड पौदड़ा दे विच। दोस्तों अभी तुहानू पहला भी दिल्ली दे विच भी दिखाया सीगा कि पिंड पौदड़ा की संगत दे वलों उत्थे इक केसरी निशान चलाया गया सी, ते अज उन्हां दिल्ली दे विच जिहड़े साडे किसान वीर बैठे आ उन्हां दी सुख शांति दे वास्ते गुरद्वारा साहिब दे अंदर पाठ करवाए जा रहे आ। तो गुरद्वारा साहिब दे अंदर चलदे आ ते देखदे जानकारी हासिल करदे आ कि इह जिहड़े पाठ आ किहनां दे वल्लों करवाए जा रहे आ, आओ चलदे आ। सो दोस्तों सुखमणी साहब जी के पाठ दे भोग पै चुका आ ते साडे नाल पिंड दी संगत मौजूद आ, इन्हां नाल गलबात करदे आ। बापू जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बापू जी अज दा जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे अपने गुरद्वारा साहब दे विच सुखमणी साहब दे पाठ करवाए गए, इहदे बारे की मतलब क्यों करवाए गए जी, इहदे बारे जानकारी दिओ जी। सब तो पहला मैं साई टीवी स्रोतियां नूं तहे दिलों सत श्री अकाल कहना ते धन्नवादी हां इस चैनल दा जिन्हां ने साडे इस प्रोग्राम की कवरेज की आ। ये जिहड़ा अज दा प्रोग्राम सी ये 25 सितंबर तो जिहड़ा किसानी संघर्ष चल रहा उहदे विच जिन्ने भी शहादतां पा गए किसान जां बजुर्ग माता नौजवान उन्हां दी आत्मक शांति लई ये जिहड़ा सुखमणी साहब दा पाठ ते अरदास की गई आ। बापू जी जिवें हुण 3 महीने हो गए संघर्ष चलदे नूं, सरकारां मन्नदियां नहीं पईआं, तुहानूं की लगदा कि यह संघर्ष किन्नी देर जारी रह सकदा? जिस तरह शायर ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। असी देखांगे कि मोदी नहीं मनदा जां किसान नहीं मनदे, असी वो मोर्चा जितना आ क्योंकि जिहड़ा ये सरकार आ ये 545 लोगों की जिहड़ी केंद्रीय सरकार आ, ये देश जिहड़ा 130 करोड़ लोगों का देश आ जिन्हां नूं ये जिहड़े खेती सुधार बिल आ मंजूर नहीं, जेकर वो मंजूर नहीं लोगों नूं तां इन्हां नूं वापस कर देने चाहिए आ। और असी ये तहैया किया कि असी ये वापस करा के हटांगे, भावें साडे उत्थे जिन्ने मर्जी शहादतां हो जाण साडे किसान शहीदियां पा जाण उन्नी देर असी मुड़ना नहीं। ये सारे किसानां ने तहैया किया, हुण तां मेरे ख्याल नाल वो भाजपा दे विचों भी राज्यसभा दे मैंबर भी जिहड़े आ वापस आउण लग गए, उन्होंने ऐलान किया मध्य प्रदेश तो कि 1 लाख मैं किसानों नूं नाल लैके इस दिल्ली मोर्चे चाहूँगा। सो बहुत वड्डी गल आ इतिहास दे विच, अज तक ये कदी इहो जिहा मोर्चा दुनिया दे विच नहीं लग्या। ये जिहड़े मोर्चे आ ये मैं माण नाल कह सकदा कि इस हरेक मोर्चा जिहड़ा भी इत्थों लगा इस खित्ते तों उहदे च पंजाबी आ जिहड़े ये मोहरी रहे आ, चाहे वह 1907 दा होवे चाहे 1947 दा होवे आजादी की लड़ाई जां जिन्ने भी मोर्चे जां ये किसानी संघर्ष भी आ उहदे विच अगवाई जिहड़ी आ पंजाब ने कीती और पंजाब करूगा। भावें सारे किसान शहीदियां पा जाण पर ये बिल वापस किए तो बिना उत्थों आना नहीं। धन्यवाद जी। सो इत्थे होर भी संगत मौजूद आ, उन्हां नाल भी गलबात करदे आ। सति श्री अकाल जी। सर जिहड़ा किसानी अंदोलन चल रहा बाबा जी की कहना चाहुंदे आ? हांजी, सब तो पहलां जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो जिवें कि आप जी जानते हो कि काफ़ी समय तो जो संगतां जिहड़ियां ने जो किसान भरा वीर हर वर्ग के हरेक फील्ड के जो उत्थे बैठे ने, सो ये तो देखो पहली गल ये है कि प्रतख सारे हो ही गया। पहला तो ये विचार चल रही थी कि बिल जिहड़े किसानां दे फायदे वास्ते है, ठीक है जी, तो हुण तो क्लीयर हो ही चुका है
कि ये किसानों का इन कोई फायदा नहीं नुकसान है जिहड़ियां आने वाली जनरेशन है साड़ी पीढ़ियां ने सो उन्हां वास्ते ये बहुत ही एक घाटे वाला सौदा है। ठीक है जी, तो इस करके सारिया किसान जथेबंदियां जिन्हां भी ने उत्थे जा चुकियां ने सो ये इतिहास पढ़ के वेख लीए मेरे ख्याल दे विच इन्हां लोकां दे जिहड़े दिमाग ने ना सो मैं कहिंदा हुंदा कि केवल सिर मौण लई काम करदे आ। ठीक है जी, सोचण वास्ते इन्हां दे दिमाग जिहड़े ओह काम नहीं करदे। अज भी ये कही जाते हैं कि तुहाडे वास्ते फायदा, मैं कहना पहला प्रधानमंत्री असी देखिया कि जिहड़ा कहिंदा है किसानां नूं इहदा फायदा, जबकि किसान फायदा लैना नहीं चाहते, ये धक्के ना फायदा देना चाहता। ठीक है जी, सो पहला देखा जा सानू किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं, असी कहने वापस लै लो तो वापस लै लेने चाहिए आ। ठीक है जी, सो इस करके बहुत सारिया जथेबंदियां उत्थे बैठिया ने, तो इतिहास के 18 वारी होया कि असी दिल्ली ते जित प्राप्त की है। केवल जो सिकंदर आया तो पोर्स इतों का साडे इतों का इंडिया का साडे इतों का वो सामने छाती ताण के खड़ गया, शायद वो ये भुल चुका वा कि ये जिहड़े पंजाबियों ना मैं पहली बारी पंगा पा लिया, अगे मैं इतिहास के बहुत देखिया वा, पर नहीं इन्हें सोचा नहीं, ये भुल गया। सो इन्हें भुलेखा है ये मन का, अज किसान वीर भरा पंजाबी जे उत्थे पहुंचे आ तो एक दिन उम्मीद करते हैं कि गुरु साहब जी की कृपा दे नाल असी किसान जिहड़ा ये मोर्चा लाया ये जरूर जितांगे। उन्ना समा उत्थों असी वापस नहीं आते जिन्ना समा वो बिल जिहड़े आ वापस नहीं लेंदे। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों तुसीं देख सकते हैं किवें संगत दे विच जोश आ कि जिन्ना चिर बिल वापस नहीं आते होंगे उन्ना चिर साडियां किसान जथेबंदियां उत्थों डटियां रहणगियां। एक गल तुहानूं होर दस दईए कि अज पिंड पुआदड़ा की संगत दे वल्लों इतों रजाइया तलाइया तो कंबल ज जो भी जरूरत का समान आ लैके एक जत्था दिल्ली नूं जा रहा। सो असी कामना करते हैं कि यह जल्दी जित के वापस मुड़न। कैमरामैन गज्जू के नाल लवली कुमार, साइन टीवी पुआदड़ा। हुण समस्या भावें कोई भी होवे तां इधर उधर ना घूमो क्योंकि श्री हरि ज्योतिष केंद्र करनगे तुहाडी हर समस्या का हल। तुसीं रोंदे हुए आओगे तो हसदे हुए जाओगे। जेकर तुहाडा पति प्रेमी जां बेटा किसी दे बस विच है तां घबराओ ना, प्यार विच धोखा खाते प्रेमी प्रेमिका जल्द संपर्क करन, असीं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगे। परेशानी भावें किसी भी प्रकार की होवे उसका हल जरूर हुंदा है। नतीजा तुहाडियां अखां दे सामने आएगा, जिवें वशीकरण लव मैरिज, कोर्ट कचहरी विच जित विदेश यात्रा, कर्जे तो छुटकारा, कारोबार विच घाटा, बीमारी विच दवा ना लगना, पति पत्नी विच अणबण कीता कराया, रुसे प्रेमी प्रेमिका नूं मनाउणा, व्याह विच माता पिता नूं मनाउणा आदि हर समस्या दा हल पंडित विनोद शर्मा जी करनगे। एक फोन तुहाडी बदल सकदा है जिंदगी। अपने सारे कष्टां तों छुटकारा पाउण लई हुणे फोन करो 98 881 94 194।